एक और फिल्म में नजर आएंगी दीपिका पादुकोण विद शाहरुख खान। क्या नेक्स्ट ईयर दिखेंगी दीपिका एंड मिस्टर खान की एक नहीं बल्कि टू फिल्म्स? वेल, रिपोर्ट्स तो कुछ ऐसा ही बताती हैं। जहां अभी तक सिर्फ इतना ही सामने आ पाया था कि ये दोनों स्टार्स एक साथ अपकमिंग फिल्म पठान में नजर आएंगे, तो वहीं अब लेटेस्ट रिपोर्ट्स बता रही हैं कुछ और। एज वी ऑल नो कि पठान रिलीज होने वाली है 25th of January को, एंड देन SRK नजर आने वाले हैं 3rd of June को फिल्म जवान में विद नयनतारा, सानिया मल्होत्रा एंड सुनील ग्रोवर। तो वहीं अब इस फिल्म की भी पार्ट बन चुकी है दीपिका। जी हाँ, दीपिका किसी बड़े रोल के लिए तो नहीं बट एक स्पेशल रोल के लिए जरूर कास्ट कर ली गई हैं। दरअसल सोर्सेस की माने तो दीपिका हाल फिलहाल अपनी अपकमिंग फिल्म प्रोजेक्ट के लिए हैदराबाद में शूटिंग कर रही हैं विद हर को स्टार प्रभास एंड डायरेक्टर नाग अश्विन, और साथ ही वो SRK एंड जवान के डायरेक्टर अतली के साथ भी इन टॉक्स है। अब सोर्सेस के अकॉर्डिंग तो दीपिका शॉर्टली जवान में कैमियो अपीयरेंस लेती नजर आएंगी, बट फिलहाल पेपर वर्क डन नहीं किया गया है। सोर्सेस तो ये भी बताते हैं कि दीपिका ने अपने करेक्टर से लेकर शूट डेट्स तक भी डिस्कस कर ली हैं SRK एंड अतली के साथ। जहां जवान के मेकर्स हमेशा से चाहते थे एक A-list एक्टर को अपनी फिल्म में कैमियो अपीयरेंस देना, तो वहीं दीपिका के जवान में नजर आने में कितनी सच्चाई है इसकी अभी तक कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दी गई है। वैसे तो कुछ ही डेज पहले ये खबरें भी सामने आई थी कि दीपिका रणबीर कपूर एंड आलिया भट्ट की अपकमिंग फिल्म ब्रह्मास्त्र में भी कैमियो अपीयरेंस लेती नजर आने वाली है। यानी अब दीपिका रणबीर एंड आलिया की फिल्म में तो एक स्पेशल रोल में दिखाई देंगी ही, बट साथ ही मिस्टर खान की फिल्म जवान में भी कैमियो अपीयरेंस लेती नजर आएंगी, बट उससे पहले दिखने वाली है फिल्म पठान में विद SRK एंड जॉन अब्राहम। To know more such Bollywood news and updates, keep watching Boogle Bollywood.